हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका तरंजीत किचन में। तो मोस्टली लोग मैगी तो जनरली खाते ही होंगे, बट बहुत बार ही ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि यार कुछ नया होना चाहिए। तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने आज तैयार किया है मैगी पिज्ज़ा, जिसके रिजल्ट सीरियसली बहुत अमेजिंग आया, बहुत टेस्टी बना है। इट्स अ मस्ट ट्राई डिश गाइस, घर में ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले लेंगे हम 2 पैकेट मैगी के और इसको कुक करेंगे हम कढ़ाई में। गाइस, मैगी ही हमारा पिज़्ज़ा का बेस बनेगी। तो गाइस, मैगी को अगर छोटे छोटे पीसेस में बनाना चाहते हैं, बड़े में, आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप छोटे छोटे पीसेस में बनाएं, क्योंकि मैगी के जो बाइंडिंग है वो अच्छे से होती है। हालांकि मैंने बड़े बड़े पीसेस में बनाया है, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप छोटे पीसेस में बनाएं। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। जनरली क्या होता है, हम 2 पैकेट मैगी में 2 कप ऑफ वाटर डालते हैं, बट मैगी को हमें एज अ पिज़्ज़ा बेस यूज़ करना है तो हम सिर्फ 1.5 कप वाटर डालेंगे। इससे मैगी ज़्यादा जूसी नहीं बनेगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैगी को हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। एज यूजुअल अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। आप चाहें तो पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं एज पर टेस्ट। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। मैं पर्सनली इसमें कोरिएंडर यानी कि धनिया मिक्स कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है पिज्जा बेस में। इफ यू वांट यू कैन अवॉइड दिस। मैगी को हम 80% तक कुक करेंगे, फुल 100% नहीं करेंगे। मैगी हमारी 80% कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च, या फिर हम डाल सकते हैं राइस फ्लोर, ताकि मैगी पिज्ज़ा बेस के लिए बाइंड हो सके। कॉर्नफ्लोर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब हम मैगी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैगी प्रॉपरली मिक्स करने के बाद अब बारी है बेस रेडी करने की। पिज्ज़ा बेस रेडी करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे नॉनस्टिक पैन और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल एंड प्रॉपरली उसको टिश्यू से हम स्प्रेड कर देंगे हर जगह। एंड अब हम हमारी रेडी की हुई मैगी को डालेंगे। मैगी को हम प्रॉपरली सेट कर देंगे ताकि वो पिज्जा बेस की शेप ले सके। अब बेस को पूरा गोल करने के लिए हम स्पैचुला की हेल्प लेंगे। बेस ऑलमोस्ट गोल हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे और कुक करेंगे बेस को 4 to 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम में। मीडियम फ्लेम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैगी का बेस क्रिस्पी रहे। बेस ऑलमोस्ट बॉटम से डन हो चुका है। अब हम इसे टर्न करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हम कुक कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस हमारा पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। दैट मींस हमारा बेस पूरी तरीके से कुक हो चुका है। अब हम बेस पे पिज्जा सॉस स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस ला सकते हैं या फिर घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जब तक हमारा पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रेड हो रहा है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। पिज्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद अब हम स्प्रेड करेंगे फर्स्ट लेयर ऑफ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ हमारा अमूल का डाइस्ड चीज़ होगा, डाइस्ड यानी कि कद्दूकस किया हुआ चीज़, और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है।
फर्स्ट लेयर ऑफ चीज़ स्प्रेड होने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें टॉपिंग्स, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिंग होगा कैप्सिकम, सेकेंड टॉपिंग हमारा रहेगा रेड कैप्सिकम, थर्ड टॉपिंग रहेगी हमारी सबसे ज़्यादा घर में यूज़ होने वाली चीज़ अनियन, फोर्थ टॉपिंग हमने टमाटर लिया है। अब हम इसमें स्प्रेड करेंगे सेकेंड लेयर ऑफ मोज़रेला चीज़, अब हम पैन को लिड से ढक देंगे ताकि स्टीम बन सके, स्टीम से ही हमारा मोज़रेला चीज़ मेल्ट होगा और स्प्रेड हो जाएगा इवनली। फिफ्टी % कुक होने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च और ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे स्वाद अनुसार। लिड को क्लोज करेंगे और कुक करेंगे 5 और मिनट। सो गाइज, आवर चीजी मैगी पिज्जा इज रेडी। अब हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। इट्स टाइम टू कट पिज्जा। तो गाइज, आप देख सकते हो हमारा मैगी पिज्ज़ा कितना चीज़ी बना है। तो गाइज, मैगी पिज्ज़ा तो बहुत टेस्टी बना था। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय मॉम्स एंड माय चैनल तरनजीत किचन। थैंक यू सो मच।